हेलो हाँ जी नमस्ते सर, नमस्ते सर। जी मैं बिहार से बोल रहा हूँ, सुनील जी 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 सर। एसिडिटी प्रॉब्लम मैंने रात में बताया था आपको, हाँ जी हाँ जी और पेट की प्रॉब्लम रहती है, कमजोरी वीकनेस वगैरह बहुत रहती है। तो आप बोले थे कि थोड़ा चलिए वॉक एंड 5 मिनट रेस्ट। करके, जी वॉकिंग पे, और उसके बाद जो है सो कॉल कीजिएगा। हाँ जी तो रात में तो मैंने किया सर, 1 घंटा लगभग मैं सोया। नींद तो आज काफी अच्छा हुआ, ठीक है, 7-6 बजे आज उठे हैं। तो दूसरी बात है कि आप फिर रूटीन कैसे बनाए सर? सुबह भी करो वॉक एंड रेस्ट और पानी वानी मत पेट पियो। पेट साफ हो गया? आज थोड़ा पैखाना कब्जियत टाइप का हुआ, थोड़ा ही हुआ सर। कोई बात नहीं, आप वॉक एंड रेस्ट करो दोबारा से और फिर उसके बाद बस खाने के साथ एक गिलास पानी पी लीजिएगा। तो मतलब सुबह शाम करे वॉकिंग सर? नहीं, आजकल तो लॉकडाउन है ना, तो दिन में भी करो 2-3 बार ही। तो होता क्या है सर, थोड़ा वीकनेस बहुत है मेरे बॉडी में, क्या आप करें? अच्छा जैसे जैसे खाते जाओगे करते जाओगे वीकनेस अपने आप जाती जाएगी, अच्छा आप ठीक मतलब होते ज्यादा जाओगे। ज्यादा जो चलते हैं ना सर, हाँ, ज्यादा जब चलते हैं तो वो पैर सब सूना सूना हो जाता है जब बैठते हैं थोड़ा कल देर। रात को किया था ना, कल रात को कोई दिक्कत हुई थी? रात में तो नहीं दिक्कत हुई, सुबह में ये होता है कि जैसे आज अभी चले ना, तो ज्यादा देर 1 घंटा आधा घंटा चलेंगे तो क्या होता है कि नहीं, दो एक साथ घंटा मत चलो ना, एक साथ मत चलो, ऐसे 5-5 मिनट करके ही चलो। ये होम्योपैथ दवा सब बंद कर दे सर? अच्छा हाँ, बंद कर दो सब। ये सब खा सकते हैं ना, अनार वगैरह, क्या खा सकते हैं? अनार जो होता है, अनार अनाज? अनार अनार सर। नहीं, अभी कुछ मत खाओ, थोड़े दिनों बाद खा लेना। अच्छा अनार भी नहीं खाए, बेल का जूस भी नहीं ले सर? नहीं, कुछ मत लो, तो खाना कब्जियत हो जाता है, बेल का जूस नहीं लेते हैं तो सर? कोई बात नहीं, आप करो तो सही 2-3 दिन। वो बेल का जूस ले लेके कब तक काम चलाओगे? ऐसे तो सारी जी जिंदगी चेक करना पड़ेगा ना नहीं ऐसे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये था सर कि थोड़ा बॉडी में एनर्जी जो आ जाता ना, थोड़ा कुछ ऐसा टिप्स बताते जो बॉडी मतलब ताकत आता तो उसके बाद करते तो फिर ठीक रहता। नहीं, अभी फिटनेस के लिए जरूरी है कि खाने में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पचे। अगर आपको मोशन नहीं आ रहा है 1-2 दिन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो आ गया ना, तो बस अपने आप से अगर आप दिन में करेंगे 3-4 बारी तो अपने जी आप जी से दिन में एक और बार आ जाएगा। और हाँ जितना अगर बार एक वॉकिंग डेज करेंगे सब में 5-5 मिनट मतलब दे देंगे, 5 मिनट फिर हाँ करेंगे जी 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 एक्सरसाइज। जी आप इसको करो, आपको पता चलेगा 1-2 दिन में और आराम मिल जाएगा। हाँ वो पानी जो है सर सिर्फ खाना के साथ एक एक गिलास लेना है, बाद हाँ, में कि अगर प्यास लगे तो क्या करेंगे सर? वॉक एंड रेस्ट करो, अपने आप प्यास खत्म हो जाएगी। जब आप चलोगे और जी रेस्ट करोगे ना, अपने आप प्यास खत्म हो जाएगी, मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा शाम तक। तो फिर पानी ऐसे ही ले अभी 2-3 दिन की, फिर चेंजिंग भी करेंगे? हाँ, ऐसे करो, अभी ऐसे करो, 5-6 दिन ऐसे करो, फिर चेंज करेंगे। अब बीपी भी लो है सर थोड़ा मेरा, 92 पे बीपी है। इसी से बढ़ जाएगा अपने आप, आप रोज चेक करते रहो। कैसे, घर में हैं या बाहर से चेक कराते हैं? बाहर से चेक करा दें सर? तो बाहर से चेक कराते हो, हफ्ते बाद चेक करा लेना, वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा मतलब वॉकिंग डे जाओ, ये पानी का हाँ लिमिट कर जी हाँ दो। जी हाँ जी खाना तो खा सकते ना, रोटी चावल कुछ भी? पूरा पेट भर के खाओ, बिल्कुल कमी मत करना। खाओगे तभी ताकत आएगी, तभी सब कुछ ठीक होगा। मुझे पता नहीं, आयुर्वेदिक डॉक्टर सब मार के रख दिया है सर कि इतना ही खाओ, भरपेट कुछ खाना नहीं नहीं, खाओ, कुछ नहीं, पानी नहीं पियो, भर पेट खाओ, चिंता मत करो। एक 1.5 घंटा के बाद पानी पियो, मतलब भूख बहुत लगती है मुझे, पता नहीं। लेकिन सर अभी मैंने वही रात में खाना वाना किया, अब इतना भूख लग गया है कि पूछिए मत। फिर खाना खाते हैं 10 बजे, फिर 2 बजे भूख लग जाता है, फिर शाम में इतना तेज भूख लग जाता है, पता नहीं खाना जाता कहाँ है मेरे को, सिर्फ पता नहीं चलता। कल तक चिंता मत करो, कल तक देखो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चाहिए, सिर्फ करते रहें। हाँ, ओके सर, थैंक यू, फिर कल थैंक यू बात जी, करते हैं। थैंक यू।